भारत ने गृह युद्ध में जूझ रहे सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए शुरू ऑपरेशन कावेरी अभियान को 5 मई को समाप्त कर दिया। ऐसे में भारतीय वायुसेना का आखिरी विमान 47 यात्रियों को लेकर स्वदेश लौटा। दरअसल भारत ने सूडान में सेना और अर्धसैनिक बल के बीच हिंसक झड़पों के बाद वहां से अपने नागरिकों को निकालने के लिए 24 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। ऐसे में सूडान से आ रहे यात्रियों ने बताया कि उनको ऑपरेशन कावेरी के दौरान हर संभव मदद मिली। अभी जब से वॉर स्टार्ट हुई थी वहाँ पे एकदम से प्रॉब्लम सूडान आए एंड देन अब उन्होंने हमें यहाँ शिफ्ट भी भेज दिया है। इंडियन नेवी हमारा पूरा अच्छे से ख्याल रख रही है, हमारे बच्चों को अच्छे से टेक केयर कर रही है एंड लाइक खाना बड़ा अच्छा मिला है। अब लग रहा है कि हाँ सेफ हाथों में और फिर घर इंडिया पहुँच जाएंगे। I'm Sophia, I'm from Tamil Nadu. I was residing in Khartoum too. And during the war situation, the situation was very bad. There was no electricity, water for 4-5 days. And now we are safe in the ship. And now we feel more safe. बता दें कि ऑपरेशन कावेरी के जरिए सूडान से 3,862 लोगों को निकाला जा चुका है। इस दौरान भारतीय वायुसेना ने 17 उड़ानों का संचालन किया और भारतीय नौसेना ने पोर्ट सूडान से भारतीयों को सऊदी अरब में जेड्डा ले जाने के लिए 5 फेरे लगाए। वहीं सूडान की सीमा से लगते देशों के जरिए 86 भारतीयों को भी लाया गया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्नाटक चुनाव में एक रैली को संबोधित करने के दौरान ऑपरेशन कावेरी को भारत सरकार की उपलब्धि बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। ऑपरेशन कावेरी चलाया हम, ऐसी ऐसी जगहों से हमारे भारत के भाइयों बहनों को वापस लाए जहां विमान तक उतरना मुश्किल हो रहा था। कहो भाइयों बहनों, ये कठिन काम था कि नहीं था? हमारे लोगों की जान खतरे में थी कि नहीं थी? हम उनको बड़ी मुश्किल से ले आए, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में कांग्रेस ने देश का साथ नहीं दिया। वहीं कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी ट्विटर पर पीएम मोदी पर हमला किया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री सूडान पर भूल रहे हैं, लेकिन मणिपुर में चल रही हिंसा पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है।